डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जब किसी की पैर की शुद्ध रक्तवाहिनी ब्लॉक होती है, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, वो होने के बाद पैर कैसे दिखते हैं, पैरों पे जख्म कैसे रहती है, और बहुत बार वो जख्म को भराने के लिए या फिर जख्म अच्छे होने के लिए पैरों की एंजियोप्लास्टी, हाँ पैरों की एंजियोप्लास्टी भी होती है, पैरों की एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत रहती है, और कभी कभी वहाँ पे खून पतला होने का इंजेक्शन छोड़ना पड़ता है ताकि जो बंद रक्तवाहिनी है वो खुल जाए। आपने हृदय की रक्तवाहिनी बंद होने के बाद हृदय का अटैक आके पेशेंट की डेथ होने का बात सुना ही होगा। वह यह पैरों का जो रक्तवाहिनी है, ये बंद होने के बाद भी कुछ कुछ पेशेंट्स में अचानक से पैर काला पड़ता है, गैंग्रीन होता है, और कुछ कुछ पेशेंट में पैर काटना भी पड़ता है, और कुछ पेशेंट्स में पैरों की जख्म भरती नहीं, इसलिए उनको खून पतला होने की गोलियाँ, तंबाकू बीड़ी को कम्प्लीटली रोकना, शुगर की लेवल को कंट्रोल में रखना, और एंजियोप्लास्टी करके नस को खोल के उसके बाद खून पतला होने की गोलियां रेगुलर लेके उसको जख्मों को प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है, कम्प्लीटली उसको नॉर्मल अच्छा किया जा सकता है।